ये कर्फ्यू का माहौल है पूरे। आप मेरे पास अभी आए हैं, कल आइएगा। यहां ठेले वालों पर लाठियां बरसाई गई हैं। लोग मुझे भी फोन करते हैं, सैकड़ों और लोगों को करते होंगे, कि सर अस्पताल कैसे जाएंगे, गाड़ियों का मूवमेंट नहीं है। इस तरह से कोई G20 नहीं करता है सर। जयशंकर साहब, हमने फॉलो किया है दूसरे देशों में भी। कर्फ्यू लगा करके मौत से सन्नाटे में जश्न मनाने की कला आप ही लोगों को आती है, आपको मुबारक। सर, प्रेसिडेंट की तरफ से जो भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम है, एस जयशंकर साहब ने इसका भी जवाब देते हुए कहा कि कोई नाम चेंज नहीं है, बल्कि इंडिया का मतलब भारत है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। उन्होंने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको मैं इन्वाइट करूंगा कि वो आकर के संविधान पढ़े मेरे साथ। नहीं नहीं, मेरे साथ आ जाएं वो, मैं इन्वाइट कर रहा हूं उनको, मेरे साथ आए। इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 है। 19 जुलाई से पहले जयशंकर साहब आपको ये बोलते हुए कभी नहीं सुना। थोड़ा आईना रखिए जयशंकर साहब, आप तो करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने अलग अलग सरकारों के साथ काम किया, आपको हो क्या गया? मैं तो आपसे सीधे तौर पे कहता हूं, 19 जुलाई से पूर्व यानी जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, कहां तक भागिएगा, कहां तक छुपाइएगा? हमारा टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। और यह भी कहूं कि हम शायद आने वाले दिनों में भारत के भी एब्रिविएशन करके इंडिया भारत अलायंस कर लेंगे, तब क्या कीजिएगा जयशंकर जी? मुझको चिंता इस बात की है कि फिर आपकी पोटली खाली हो जाएगी। थिंक बिग, एक देश के आप विदेश मंत्री हैं, इस तरह की हरकतों से ना लोग हम पर दुनिया में हंस रहे हैं। हमने क्या बना लिया अपने को सिर्फ इसलिए कि एक अलायंस का नाम इंडिया हो गया? तो साहब तमाम तरह के कुतर्क गरने लगे, जचता नहीं है, पचता नहीं है जयशंकर साहब। कितनों चादर आप ढोएंगे ना, उसे ढकने की कोशिश करेंगे, ढका नहीं जाएगा। ये विजडम इंडेक्स के शून्य होने का भी प्रमाण है सर। लेकिन भारतीय जो लोग भारत नाम का विरोध कर रहे हैं ना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। किसने विरोध किया? अरे ये इनको घोस्ट आता है क्या सपने में? भूत प्रेत देखने लगे हैं ये लोग। ये डर, ये हताशा, हम तो प्रतिदिन कहते हैं सुबह शाम, इंडिया दैट इज भारत। और ये हम नहीं कहते, ये किताब कहती है। अनुराग ठाकुर जी, किसी नेता के आत्ममुग्धता में इतना विवश और बेबस मत हो जाइए ना कि इस किताब को दरकिनार करने लगी। कोई नहीं, भारत पे गर्व है, इंडिया पे गर्व है, हिंदुस्तान पे गर्व है। क्या क्या छीन लोगे, क्या क्या उठा के ले जाओगे यहां से? मतलब ये नाम से कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इंडिया दैट इज भारत, ये आर्टिकल 1 है। असल में ये लोग पढ़ते लिखते नहीं, इनको नेता की चाटुकारिता में ही 24 घंटे सातों दिन इनका जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप किताबों से दूर हो जाते हैं, ज्ञान से दूर हो जाते हैं। ये वक्त है संविधान के करीब जाने का, इससे दूर नहीं जाने का। सर 18 से 22 क्या एजेंडा रहेगा, इसको लेकर के अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोनिया गांधी ने पत्र लिखा है कि एजेंडा के बारे में सरकार का रुख स्पष्ट करे, आपका क्या मत है इस बारे में? मेरा सीधे मानना है कि अभी सरकार से मुझको कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार सरोकारों से दूर चली गई है। इन्होंने इस लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील करके रख दिया, जहां राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय, फॉरगेट अपोजिशन पार्टीज, कैबिनेट मिनिस्टर्स को नहीं पता। ये होती है प्रणालियां, ये है कैबिनेट सिस्टम, क्या बना के रख दिया है साहब? वो तो बढ़िया, वो नितिन गडकरी जी ने बड़ा बढ़िया एक पुराना मुहावरा दोहरा दिया है जयपुर में, वो क्या कहते हैं, गधे खाएं घास, क्या कहे, नहीं गधे खाएं चांदप्रास, घोड़ा खाए घास। सर इसको लेकर वो ये स्पेशल सेशन अटेंड करने के लिए तैयार है, पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो मोदी चालीसा सुनने नहीं जा रहा। वो चालीसा बहुत पढ़ा जा रहा है आजकल, और खास करके जब 9 में छेद हो चुकी है ना, तो चालीसा की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है और उसके क्वांटम में भी वृद्धि हुई है। मैं बार बार दोहराता हूं, लोकतंत्र सामूहिकता की चीज है। व्यक्ति के चरणों में अगर पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को रख दीजिएगा ना, तो व्यक्ति के चरण के साथ साथ ही लोकतंत्र भी चला जाएगा।